पुरुषोत्तम सिद्धपरा गांव जाऊं का तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़। मनसुख भाई सुहागिया की प्रेरणा से 2004 में मैंने गाय आधारित कृषि का प्रारंभ किया, तो आज तक वो बहुत सफल हुआ है। वो गाय आधारित कृषि में मैंने सब फसल मिला के 30 किस्म की अलग अलग प्रकार की फसल लगाई है। उसमें गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वारी, गन्ना, सब्जी में ग्वार, भिंडी, तुरई, गलका, चिवड़ी, चौराई वगैरह सब सब्जी लगाई है। और रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का खर्चा मुझे बिल्कुल बंद हो गया है। और गाय के गोबर और गौमूत्र से मेरा खूब सफर इसमें अच्छा रहा है। उसमें जो 20 से 30 गुना उत्पादन भी बढ़ा है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ी है। आप 5 प्रकार के तरबूज खरबूज लगाए हैं, शक्कर टेटी है, सब्जी है, वो आप देख सकते हैं कि कितनी साइज का इसका परिणाम है। जो आज 15 साल के बाद मनसुख भाई सुहागिया ने यहाँ कृषि दर्शन के स्वरूप में आज के दिन ये रखा है, वो आप सब देख सकते हैं। पुरुषोत्तम भाई, हाँ जी, ये चिपड़ी एक लाइन में से कितनी पैदावार मिलती है? ये जो एक सफल किसान एक बीघा में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लेता है, उससे ज्यादा मुझे एक चास में से मिला है। वो 462 फुट लंबाई का एक चास है, उसमें से 1200 किलो चिपड़ी अभी निकल गई है, अभी 15-20 दिन और चलने वाली है। अच्छा, दूसरी बात, मान लो आपने बताया कि गेहूं, मूंगफली, बाजरे में 20 से 30% पैदावार बढ़ती है, तो सब्जी में कितनी बढ़ी है? सब्जी में भी 50% जितना ज्यादा पैदावार मिली है, खर्चा कम हुआ है। और तीसरा प्रश्न, आप पहले गेहूं में रासायनिक खाद जब डालते थे तो कितना पानी पिलाते थे तब पकते थे, और आज कितने पीएच में पक जाता है? हमारा 12 से 13 हमारी भूमि का किस प्रकार से 12 से 13 पीएच अभी भी किसान जो नहीं कर रहे वो दे रहे, हम भी दे रहे थे। और अभी हमारे 7 पीएच में पूरा का पूरा गेहूं, जो 20 एकड़ का गेहूं था, वो पक गया है। आज मेरा ये पूरा 24 बीघा यानी 9 एकड़ का जो खेत कृषि है, अभी वो सिर्फ हर रोज का 4 घंटे में पूरा का पूरा फसल पानी से पिला देते हैं, टपक सिंचाई से। अच्छा। नमस्कार मित्रों, मैं मनसुख भाई सुहागिया, अध्यक्ष जलक्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज मैं जिस भूमि में खड़ा हूँ वो एक राष्ट्र का कृषि का तीर्थ भूमि है। 1999 में वहाँ से चेकडेम योजना का सारे देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ, और सरकार की सहायता के बिना और गांव वालों के श्रमदान से 100% लोगों ने चंदा निकाला, और 100% किसान, मजदूर, कारीगर, गोपालक सबने श्रमदान किया, शिक्षक सभी ने। तो यहाँ कृषि, भारत के कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी, देश के कई वैज्ञानिक, इंजीनियर, समाज सेवक आए, उन्होंने बताया कि श्रमदान और सरकारी सहायता के बिना 51 बांध बनाने वाला जाम का भारत का नहीं विश्व का प्रथम गांव है। उसका परिणाम है इस साल गुजरात में 2019 में भयानक अकाल है, तब जाम का की 6000 बीघा जमीन में बारिश की मौसम में 100% बम्पर पैदावार मिली, और रवि मौसम में सर्दी की मौसम में 6000 बीघा जमीन में बम्पर पैदावार मिली, और आज भी गर्मी की सीजन में हजारों गांव में पीने का पानी नहीं है। तब जाम का के हर एक खेत में हरियाली है, उनका कारण ये 51 चेकडेम है। यहाँ देश के 20,000 गांव के 20 लाख से ज्यादा लोग आए हैं, 27 देश के लोग ये जाम का की योजना का दर्शन करने आए हैं। तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव को जल समस्या से मुक्त करना है तो एक बार जाम का में पधारिए, और इस योजना के मुताबिक आपके गांव को 12 महीना जल संपन्न कीजिए। दूसरी योजना सन 2000 में हमारे प्रदेश की गिर गाय लुप्त होने की कगार पर आ गई थी, वो मुझे एहसास हुआ पानी का काम करते करते, तो अंदर से एक सूत्र है, गिर गाय हमारे आंगन में, जाम का से प्रारंभ किया, जिस गांव में एक भी गाय नहीं थी आज वहां 400 गिर गाय है। गाय का जो मिश्र वंश की देसी गाय थी उनका दैनिक दूध उत्पादन 3 लीटर से महत्तम 10 लीटर था, आज गिर गाय का शुद्ध नस्ल की अच्छे सांड रखे हमने 20 साल से, तो सोमवार दर्शन से जो आज गौ वंश पैदा हुआ है वो प्रतिदिन 10 से 22 लीटर दूध देता है, तो दूध की प्रति गाय 2.5 गुना दूध बढ़ा है, गाय की संख्या 4 गुनी हो गई, तो 10 गुना देसी गाय का दूध उत्पादन बढ़ा है। मुझे 1 किलो की जाम का और कोई गांव में से देसी गाय का मिलता नहीं था,
₹10 लीटर गाय का दूध खरीदने को तैयार नहीं था, तब जामका में आज 50 से लेकर 300 किलो घी हम सप्लाई करते हैं सारे देश में और विश्व में। और ऐसे इतनी क्रांति हुए और इस गिर गाय का विचार सारे देश में फैल गया। बाद में हमने कांकर गाय हमारे आंगन में योजना का प्रारंभ किया, 5 लाख गाय इस अभियान से हम घर घर में बंधवा पाए। परसोत्तम भाई की गोपी गौशाला ऐसी 1000 गौशाला का प्रारंभ हुआ। यहाँ से जल रक्षा की चेतना सारे राष्ट्र को और विश्व को मिली है। यहाँ से देशी गौवंश की रक्षा संवर्धन और गाय से मनुष्य किसान और राष्ट्र की आबादी का एक चेतना सारे देश को और विश्व को मिले। तीसरी योजना सन 2004 में गाय बचाने की भावना में से गाय आधारित कृषि मक्का झामका में प्रारंभ किया। पुरुषोत्तम भाई 100% समर्पित हमारे कर्म संगाथी है। इससे किसानों से ही एक नई योजना का जन्म होता है, नए प्रयोग सफल होते। मेरे कहने पर फायदा नुकसान के सोचे बिना उन्होंने गाय आधारित कृषि अपना लिया, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड छोड़ दिया, तो उनके जो परिणाम मिले हैं वो भारत को नहीं विश्व को प्रेरित करने वाले हैं। पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का खर्चा बंद हो गया, तो कृषि में एवरेज 20% खर्चा कम हुआ है, जीरो नहीं होता है, जीरो की बात है वो बिल्कुल वाहियात बात है। और दूसरी पैदावार में 20% से लेकर 60% की वृद्धि हुई। और जो ये सब्जी और जो अन्न पकता है, ये खरबूज, ये टेटी, उनमें इतना स्वाद है कि जो लोग खाते हैं सारे देश दुनिया के तो ताजुब रह जाते हैं। आज रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से हमारा आरोग्य सारे देश का और विश्व का विनाश की ओर जा रहा है। तो मानव जात का आरोग्य बचाने का, मानव के वंश को बचाने का और जीव सृष्टि को बचाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ना, तो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड हमें छोड़ना पड़ेगा और देसी गाय आधारित कृषि सबसे सफल है। सजीव कृषि के कई प्रयोग हैं, उसमें देसी गाय आधारित कृषि सबसे सफल है। देश के किसानों को, देशवासियों को, समाज सेवकों को मेरा आह्वान है कि तीन चीज अगर किसान पकड़ ले, हर एक गांव में जल रक्षा करे, अपने प्रदेश का देसी गौवंश पालन करके श्रेष्ठतम संवर्धन करे, और देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, छाछ और जो कड़वी वनस्पति है सीताफल जिसको अनूरी बोलते हैं, नीम, आक, ऐसी वनस्पतियों में से कीट नियंत्रक बना के हम फसल रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये 15 साल का अनुभव है, 15 साल की खुशी में आज यहाँ कार्यक्रम रखा है। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटी के कई वैज्ञानिक आज पधारे हैं, हमारे यहाँ के जिला मैजिस्ट्रेट पधारे हैं और ये सब देख रहे हैं। यहाँ ये योजना देखने कई वैज्ञानिक आए हैं, तो सारे से यहाँ ये विचार फैले हैं। किसान ये तीन चीज अपना ले, जल रक्षा, देसी गौवंश पालन संवर्धन, देसी गाय के दूध घी का आहार और गाय आधारित कृषि, तो वो खुद स्वावलंबी सुखी होगा। हमारे देश में एक किसान की आत्महत्या नहीं होगी और हमारे देश को प्राण शक्ति दाता देसी गाय का दूध घी मिलेगा और प्राकृतिक अन्न मिलेगा। आप तफावत देख लीजिए, ये जो खरबूजे की प्रजाति है अलग अलग, उसमें 1.5 गुनी शायद गाय के गोबर गौमूत्र से हुई है। ये जो टेटी बोलते हैं, शक्कर टेटी, उनकी शायद भी इतनी बड़ी हुई है। वैज्ञानिक ये सब देखकर ताजुब रह गए। तब सारे देशवासियों को जामका की जल क्रांति, गिर देसी गौ क्रांति, गाय आधारित कृषि अपना ले और व्यसन तंबाकू शराब छोड़ दे, तो भारत में एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और सारे देश के किसान सुखी हो जाएंगे और हमारा देश स्वावलंबी हो जाएगा। हमारे देश की गवर्नमेंट को मेरा आह्वान है कि आप आइए गांव को, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि किसान की आमदनी 2 गुनी करना, लेकिन यहाँ तो जल रक्षा से गांव की आमदनी 2 गुनी हो गई है, गाय आधारित कृषि से फिर से प्रॉफिट 2 गुना हो गया है, तो यहाँ किसान की समृद्धि 3 से 4 गुनी वास्तविक रूप में हो गई है। उनको देखिए, उनका आचरण कीजिए और सरकार, प्रजा, समाज सेवी संस्था और धार्मिक संस्थाओं को मेरा आह्वान है कि हम बिना अर्थ के धार्मिक कार्यक्रम बांधकाम छोड़ दे, हमारे देश के किसानों को खड़ा करें, हमारे देश के गरीबों को हम समृद्ध करें, हमारी प्रकृति और गौवंश को बचाइए। वही धर्म है, वही राष्ट्र धर्म है, वही परमात्मा धर्म है। इस कार्य में मेरा 20 साल का जीवन मैंने समर्पित किया है और मेरा सारा जीवन इस भारत माता के लिए, प्रकृति के लिए और विश्व के लिए समर्पित है। मेरा आह्वान है कि जल क्रांति ट्रस्ट के इस अभियान का अभ्यास करें।